पबजी लवर सचिन संग कहां लापता हुई पाकिस्तानी सीमा हैदर, 24 घंटे से कोई सुराग नहीं, सवालों के घेरे में है लव स्टोरी। तो सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी की चर्चा चल ही रही थी कि दोनों के घर से लापता होने की खबर भी सामने आ गई है। प्यार में अवैध तरीके से सरहद पार कर पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर और उसका पबजी वाला नकली सचिन लापता है। तो सूत्रों की माने तो बीते 24 घंटे से सीमा और सचिन का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पहले बताया गया कि सीमा की तबीयत खराब है, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रही है और ना ही मुलाकात कर रही है। तो लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों ही वहां पर मौजूद नहीं है और सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि दोनों जानबूझकर किसी खास वजह से गायब हो गए हैं। तो इस न्यूज में हम आपको चार ऐसी बातें बताएंगे जो इस बात को ध्यान रखने लायक है। तो सीमा हैदर और सचिन अचानक हुए लापता। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूछताछ के लिए दोनों को पुलिस ले गई है। परिवार वालों का कहना है कि सीमा की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो घर पर ही है। और सोशल मीडिया पर उठ रहे अलग अलग सवाल। तो ये चार बात को आप ध्यान में कर, क्योंकि सीमा की बचपन की दोस्त ने किए कई सनसनीखेज खुलासे। सीमा हैदर को लेकर एक पाकिस्तानी युवती ने दावा किया कि वह उसकी बचपन की दोस्त है और सीमा हैदर की कथित बचपन की दोस्त ने दावा किया कि वह उसे बचपन से जानती है और सीमा धोखेबाज है। तो सीमा की कथित दोस्त ने सचिन को चेतावनी भी दी है और इस दौरान पाकिस्तानी युवती ने सीमा पर कई आरोप लगाए हैं। उसने सीमा की पसंद और नापसंद के बारे में भी बताया। उसने बताया कि सीमा को क्रिकेट बहुत पसंद है